नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इनकम टैक्स की टीम ने यहां छापा मार तो दिया, लेकिन उसकी कार्रवाई करना आसान नहीं था। राय परिवार ने कई तरह से उन्हें तंग किया, कभी उन पर कुत्ते छोड़े गए तो कभी कहीं कागजात जलाए गए। इनकम टैक्स की कार्रवाई 2 दिन चली। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा रुपए शंकर राय से 5.5 करोड़ कैश मिले। उनके अलावा प्रिंस संजय राय से 2 करोड़ कैश, कमल राय से 70 लाख और राजू राय से 30 लाख रुपए कैश मिले। इस कैश को गिनने के लिए करीब 6 मशीनें लाई गईं। इनकम टैक्स को छापे वाली जगहों से फॉर्च्यूनर, BMW और जगुआर जैसी 2 दर्जन गाड़ियां मिली। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इनके नाम पर नहीं था। इनकम टैक्स अधिकारियों ने RTO को निर्देश दिए कि इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर होना नहीं चाहिए। राय परिवार शराब ठेके लेने के लिए ब्लैक लिस्ट है। इस परिवार ने महेंद्र चौरसिया के नाम से शराब के ठेके लिए। इनकम टैक्स की टीम ने महेंद्र के ठिकानों पर भी दबिश दी। राय ब्रदर्स पर छापे की कार्रवाई 6 जनवरी को सुबह 5 बजे से की गई। करीब 2 दर्जन गाड़ियों में इनकम टैक्स अधिकारी कर्मचारी राय चौराहे पर पहुंचे और दबिश दी। टीम ने शंकर राय, कमला राय, संजय राय और राजीव राय के परिजनों सहित सभी ठिकानों पर छापे मारे। इस छापे की खबर से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस को भी बाहर से इस छापे की खबर मिली। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।